दोस्तों सब कैसे हो, आ गए आपके भाई फिर से आप सभी के सामने और एक न्यू वीडियो का लेकर। ओके तो गाइस, मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा था बहुत दिन से कि मेरा जो गेम खेलने का टाइम, मान लीजिए आप सभी फ्री फायर खेलते हो और फ्री फायर खेलने का टाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कई कई डिवाइस के अंदर से चार्ज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है गाइस, ऐसा कुछ आप सबका साथ हो रहा है ना। तो गाइस इस वीडियो का आपका जरूरत होगा, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। मैंने गाइस कुछ सेटिंग सेट कर लिए एंड वीडियो के अंदर जो दिखाने वाला वही गेम मैंने किया है, मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। मैं ये सोचा कि आप सभी के लिए ये हो सकता है, इसके लिए मैंने शेयर कर रहा हूँ। आपका जो प्रॉब्लम है गाइस, इस वीडियो को देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। सभी के पास एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारा फ्रेंड तो वीडियो पूरा नहीं देखते, तो गाइस आपके पास रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ओके एक लाइक ठोक देना। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो आपको फास्ट जो काम करना है, आपको एक ओरिजिनल चार्जर से चार्ज देना होगा। मोबाइल का जो ओरिजिनल चार्जर है उसी चार्जर से चार्ज देना होगा। आपका चार्जर ख़राब हो गया तो रिप्लेस कर लीजिए शॉप से जाके। ओके तो ओरिजिनल चार्जर से चार्ज देना होगा, फास्ट कंडीशन ये है। सेकंड क्या करना है, आपका डिवाइस के अंदर जो फाइल स्टोरेज होता है, फाइल स्टोरेज के अंदर देखो कितना स्टोरेज लोडेड है। ओके लोडेड है तो जल्दी से जल्दी 5-6 GB खाली करो। एंड कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना होगा। आपको अनइंस्टॉल कर देने के बाद आपका डिवाइस के अंदर से प्रॉपरली काम होने वाला है। उसके साथ साथ और कुछ सेटिंग हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो चले जाना होगा मोबाइल का सेटिंग के अंदर। मोबाइल का सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर से करना क्या है गाइस, यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक देखने को मिल जाएगा गाइस, यहाँ पर से देखो बैटरी वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके तो ऑप्शन देखने को मिलने जाएगा, यहाँ पर से आपको करना क्या है, यहाँ पर से जो भी यहाँ पर से देख लीजिए 51% चार्जर से गाइस। मेरा पहले ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा क्या होता है गाइस, मेरा जो चार्जर है गाइस थोड़ा ख़राब हो चुका था, लेकिन इसके लिए मेरा दूसरा चार्जर से यूज़ कर रहे हो, चार्ज दे रहा हो, तो इसके लिए गाइस आपको ये प्रॉब्लम हो रहा था। आपको करना क्या, कभी कभी क्या होता है USB केबल ख़राब हो जाता है, USB चार्ज हो रहा है लेकिन बहुत पुराना हो चुका है, इसके लिए उसका प्रॉब्लम हो रहा है, उसको रिप्लेस करो, उसके न्यू खरीद के ओरिजिनल यूज़ करना होगा, उसके बाद आपका बैटरी चार्ज सही तरह से चलने वाला है। ओके तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सेव पावर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर यहाँ पर जो भी इशू है गाइस ये ख़त्म हो जा रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए इशू 0 हो चुका है। ओके तो अभी यहाँ पर करना क्या है, तो देखो यहाँ पर से कभी कभी बहुत सारे फ्रेंड ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर से देख लीजिए जो सुपर पावर सेविंग मोड एंड ऊपर लिखा है पावर सेविंग मोड। ओके तो कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, सुपर पावर सेविंग मोड को ऐसा टर्न ऑन कर लेता है। ओके तो सुपर पावर सेविंग मोड यहाँ पर से बहुत टाइम से चलने वाला है, तो गाइस सुपर पावर सेविंग मोड को आपको ऑन नहीं करना है। यहाँ पर से देख लीजिए आपको करना क्या है गाइस, फिर से सेटिंग के अंदर चले जाना होगा। यहाँ पर से देख लीजिए सुपर पावर सेविंग मोड को आपको ऑन नहीं करना है। यहाँ पर से आप चाहो तो गाइस यहाँ पर से पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हो। ओके आपका मर्जी गाइस यहाँ पर से, लेकिन गाइस ज़्यादातर पावर सेविंग मोड यूज़ करके आप गेम मत खेलो, क्योंकि आपका बैटरी के ऊपर असर पड़ सकता है। ओके यहाँ पर से देख लीजिए बैटरी यूज़ कौन कौन एप्लीकेशन यूज़ कर रहे ज़्यादा चार्ज खा रहा है, सब कुछ यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब पर कितना परसेंट जा रहा है, क्रोम पर कितना परसेंट जा रहा है, सारी की सारी यहाँ पर से परसेंटेज यहाँ पर से दिया है। ओके तो यहाँ पर से देख सकते हो कितना कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करके आप कितना परसेंट चार्ज खो रहे हो। ओके आपका डिवाइस से चार्ज खत्म हो जा रहा है, तो आपको गाइस करना का जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ गाइस, जो एप्लीकेशन सारी की सारी एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज़ आपको कम करना चाहिए। यहाँ पर से देख लीजिए पावर कितना ले रहा है गाइस, यहाँ पर से 707 mAh ले रहा है ये पावर सेविंग सिर्फ यूट्यूब के लिए। ओके ऐसा करके बहुत सारे एप्लीकेशन आपको सबको देखने को मिल जाएगा, कौन से एप्लीकेशन कितना परसेंट चार्ज ले रहा है, सारी की सारी यहाँ पर से डिटेल्स मिल जाएगा। ओके तो आपको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ गाइस वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, देन आपका डिवाइस के अंदर से जो भी पावर सेविंग है इसको ऑन कर देना होगा इस आपको नोटिफिकेशन वगैरह के लिए। लेकिन गाइस आपको करना क्या है, देखो कभी कभी हम वो गाइस क्या होता है ज़्यादा चार्ज इसलिए खा जाते हैं नोटिफिकेशन के आने के वजह से गाइस। ओके तो यहाँ पर से देख लीजिए, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर से आने के बाद गाइस जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो गाइस यहाँ पर से देख लीजिए ऐप मैनेजमेंट के आ जाना, ऐप लिस्ट के अंदर आ जाना। ओके तो आप इसके अंदर आने के बाद गाइस आपको करना क्या है, ये मान लीजिए फ्री फायर खेलते हो तो फ्री फायर को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर से देखने को मिलता है मैनेज नोटिफिकेशन, उसको इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के साथ साथ जो भी
नोटिफिकेशन आएगा इसको ऑन कर देना। जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करो उसी एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन को ज़्यादा बंद करना, क्योंकि ज़्यादा नोटिफिकेशन आ जाने के वजह से कैसे हम लोगों को चार्ज ज़्यादा ख़त्म हो जाते। उसके साथ साथ कोई भी लाइटिंग एप्लीकेशन यूज़ करो, जैसे कि क्या बोलते हैं डिजाइन एप्लीकेशन, उसके बाद क्या होता है कोई भी न्यूज़ एप्लीकेशन, ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहा है ऐसा कोई भी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ मत करना है। ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पर से जो दिखा रहा हो एंड जो बोल रहा हो वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो और एक काम आप सभी को कर लेना चाहिए, यहाँ पर से ऐप मैनेजमेंट के अंदर चले आना, ऐप लिस्ट के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग के अंदर आ जाना एंड डेवलपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। डेवलपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के साथ साथ नीचे स्क्रॉल डाउन करो, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के साथ साथ एक सेटिंग सभी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से देखो तो कौन सी सेटिंग है गाइस, वो बैकग्राउंड पर जो भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जब भी हम लोग गेम प्ले करते हैं, गेम के अंदर जब भी फोकस रहता है गाइस, बैकग्राउंड पर दूसरा एप्लीकेशन काम करता है। उसके लिए कैसे हम लोग को बैकग्राउंड का अंदर जो भी एप्लीकेशन काम कर रहा है ना, उस एप्लीकेशन को कैसे हम लोग को बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर से एक सेटिंग को कैसे हम लोग को ढूंढ लेना होगा, उसके बाद उस सेटिंग को कैसे हम लोग को बंद कर देना चाहिए। किधर चला गया अरे, कहाँ पर डर, यहाँ पर से एक ये वाला देख लीजिए गाइस, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको पर क्लिक करना। नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का क्लिक कर सिलेक्ट कर देना, क्योंकि बैकग्राउंड पर कोई भी एप्लीकेशन और काम नहीं करने वाला एंड आपका डिवाइस के अंदर से चार्ज बेहतर सेव देगा। ओके, तो यहाँ पर से जो दिखा दिया गाइस मैंने फॉलो करने वाला है वही फॉलो करो, आपका डिवाइस के अंदर से चार्ज बेहतर होने वाला है। एंड गाइस सबसे लास्ट में आपको करना है मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके कुछ 5 मिनट बाद में मोबाइल को ऑन करना। ओके, मस्ट गाइस आपको ओरिजिनल चार्जर को यूज़ करना है। ओके, तो वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो भी फॉलो करने बोला मैंने वही फॉलो करो।